गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें। सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान उच्च शिक्षा प्राप्त कर श्रेष्ठ जीवन यापन करे। अमीर हो या गरीब, हर कोई अपने तरीके से बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षा दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु मेहनत के साथ साथ किस्मत का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन नवग्रह एवं 12 राशियों पर आधारित है। शनि ऐसा क्रूर ग्रह है जो बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में अकारण बाधा एवं परेशानी पैदा करता है। यदि शनि प्रतिकूल स्थिति में है तो अनेक प्रकार के विलंबन उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास में कमी, स्मरण शक्ति की कमी, एकाग्र चित्त की कमी, पढ़ाई में मन नहीं लगना, सब कुछ आते हुए भी परीक्षा स्थल पर भूल जाना या फिर भरपूर मेहनत के उपरांत भी यथेष्ट फल की प्राप्ति न हो पाना, यह सारी स्थितियाँ यदि आपके बच्चे में भी नजर आती हैं, तो घबराएं नहीं, शीघ्र ही मंगवाएं गुरुदेव द्वारा विशेष रूप से अभिमंत्रित। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-519-0000, 243-2625, 9829-0-26625। जब रिश्तों में बिना हक के लेने का मन होता है, तब वहां पर महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक को भी छोड़ देने का मन होता है तो वहां रामायण की शुरुआत होती है। इसीलिए रिश्ते तितली जैसे होते हैं, जिन्हें जोर से पकड़ें तो वे मर जाती हैं और उन्हें छोड़ दें तो उड़ जाते हैं। वही अगर प्यार से पकड़ें तो हमेशा के लिए अपना रंग छोड़ जाते हैं। रिश्ता कोई भी हो, उसमें प्यार, तकरार, रूठना, मनाना, हंसना, रुलाना, ये चलता रहता है। देखिए, हम सब कोई फैक्ट्री में ऐसे तो निकले नहीं हैं कि जैसे जैसे आपने सब कुछ, कई बार हम लड़कियों से पूछें कि आपको कैसा पति चाहिए, टॉल, हैंडसम, केयरिंग, मेरे मम्मी डैडी की केयर करने वाला हो, बहुत अच्छा कमाता भी हो, टाइम पर घर पर आता हो, मेरी देख रेख भी बराबर करता हो, ये सब चीज़ें। तो ऐसा तो नहीं है कि हम किसी मशीन में गए और ये सारी चीजें सेलेक्ट की और बटन दबाए पति बाहर। तो इसके अंदर थोड़ा सा सैक्रिफाइस, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, जब ये तीन प्रकार के रंग घुल जाते हैं तो हमारे रिश्ते और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। एक दूसरे को समझना, मैं कई बार कहता हूं कि हमेशा एक दूसरे को समझाना ही अच्छा नहीं होता है, दूसरों को समझना कई बार बहुत बेहतरीन रिश्ता बनाने के लिए मजबूत नींव बना सकता है। लेकिन आज के इस दौर में रिश्तों की अहमियत बदल गई है। नाराजगी, लड़ाई झगड़ा और स्वार्थ जैसी चीजें रिश्तों पर भारी पड़ गई हैं। इसीलिए आए दिन हमें सुनने में मिलता है कि मेरी सास से मेरी नहीं बनती है, या फिर मेरी ननंद मुझे बड़ा परेशान करती है। यह नहीं तो पति पत्नी, बच्चों या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में तनातनी चलती ही रहती है, और चलते चलते रिश्तों के धागे में गांठ बंध जाती है। ऐसे में रहीम का यह दोहा शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परि जाए। किसी भी रिश्ते के गहरे होने की पहली शर्त होती है सम्मान, क्योंकि रिश्ते और पौधे एक जैसे होते हैं, जिसे अगर लगाकर भूल जाएं तो सूख कर मुरझा जाते हैं। इसीलिए जब तक रिश्ते में सम्मान नहीं होगा, तब तक वो रिश्ता गहरा नहीं हो सकता है। एक पति अपने ऑफिस के अंदर बड़ी मेहनत करता है, बॉस से शाम को उसकी मुलाकात होती है, बॉस के अनुसार उस एम्प्लॉय ने काम नहीं किया है और बॉस किसी और वजह से इरिटेटेड है, उसने उस एम्प्लॉय को डांटना शुरू किया और इस कदर डांटा कि वो जो एम्प्लॉय है उसका मोरल डाउन हो जाता है, अंदर से गुस्सा भी आता है, पर चूंकि बॉस है उनके सामने कैसा गुस्सा कर सकते हैं। वहां से वो ऑफिस पर फाइल फेंक के रवाना होता है।
जब वो रवाना होता है तब अपनी गाड़ी में बार बार हॉर्न बजाएगा, सामने जो आएगा उसको दो गालियां भी देगा क्योंकि इरिटेट हो रहा है। अब उससे कोई ऐसा इंसान चाहिए उस वक्त जिस पर वो अपनी भड़ास निकाल सके, लेकिन कोई मिलता नहीं। रास्ते में आप एक गाली देंगे तो दो गाली देने के लिए लोग तैयार हैं। अब यहां पर आपकी बीवी घर पर बैठी इंतजार कर रही है कि मेरे पति घर पर आएंगे, हम परिवार के लोग, बच्चे, मैं अपने पति के साथ आज हो सकता है मूवी देखने जाऊं, हो सकता है आज किसी स्नैक्स के लिए या फिर डिनर के लिए हम बाहर जा सकते हैं, और वो तैयार भी हो रही है और उसने आस भी बांध रखी है कि मेरे पति अब ऑफिस से रवाना हो चुके हैं। उसे नहीं पता है कि मेरे पति का मूड आज बहुत खराब है। यहां पर वो पति घर पर लौटते हैं और घर पर लौटते ही पत्नी कहती है कि तुम जल्दी तैयार हो जाओ फिर हम बाहर चलते हैं। यहां पर वो पति क्या कहता है, तुम्हें तो बस बाहर जाने की पड़ी है, जब देखो जब खाना है, जब देखो तब तुम्हें बाहर जाना है, घूमना है, कभी घर पे भी रहा करो, तुम्हें नहीं पता है कि मैं कितनी मेहनत करके लौटा हूं। अब वो पत्नी आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है और आप अपने ऑफिस का गुस्सा वहां पर निकाल रहे हैं। अब होगा क्या, थोड़ी देर आपकी पत्नी सहन करेगी, फिर उससे भी गुस्सा आएगा, आप दोनों लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसके बाद वो कहेगी अगर ऐसा ही है तो मुझे फिर डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते हो। हां दे दूंगा तुम्हें डाइवोर्स, निकल जाओ घर से। अब वो गुस्सा वहां पर निकाल रहे हैं, पत्नी को पता ही नहीं है क्योंकि आपने उसे समझाया ही नहीं है, आपने अपने गुस्से को एक नाजायज उसका फायदा उठाया आपने, और यहां से ईगो की शुरुआत होती है। और जैसा हम कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, वैसे आजकल क्या हो रहा है, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट, पहली लड़ाई में ही कोर्ट में मिलेंगे दोस्त। इसका अर्थ क्या है कि हम समझने की और समझाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उस ईगो की वजह से आज रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं। घर की बहू के हाथ में पूरे घर की बागडोर होती है, अगर वह चाहे तो घर के सभी सदस्यों को माला के मोती के रूप में पिरोकर एक साथ हंसी खुशी रख सकती है, और अगर वह न चाहे तो पूरे घर परिवार रूपी बाला और बाला के मोतियों को बिखेर सकती है। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्रह लक्ष्मी चाहती तो है कि उसका परिवार एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे में वो क्या करे, क्योंकि सिर्फ एक मिनट लगता है रिश्तों को मजाक में उड़ाने में और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। तो आज आप वो सब कुछ जान पाएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है, कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जिन्हें करके आप अपने घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पति पत्नी के मध्य सुंदर एवं सुखद दाम्पत्य जीवन की। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, पति पत्नी के बीच प्यार हमेशा बना रहे, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती, कोई नहीं रहेगा। आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं और आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो मेहमान उठकर चला जाएगा। मुझे आपने अपने घर पर इन्वाइट किया, मैं घर की घंटी बजा रहा हूं और पता लगता है अंदर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो मैं वहां से निकल जाता हूं। जब हमारे जैसे साधारण इंसान भी आपके घर में नहीं रुक सकते ना आ सकते हैं, तो ईश्वर कैसे रह सकते हैं, मां लक्ष्मी कैसे रह सकती है। और उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं टिकता है। पति पत्नी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसीलिए दोनों को आपसी प्रेम, विश्वास और सहयोग की बुनियाद पर गहरे संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि यह जड़ें हैं परिवार रूपी पेड़ की, और अगर जड़ें ही कमजोर होगी तो पेड़ कैसे फलेगा और फूलेगा। तो ऐसा क्या करें जिससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता घुल जाए और आपके जीवन में प्रेम की बौछार आ जाए, आइए जानते हैं वो सब कुछ उपाय जो आपके लिए जानना भी जरूरी है और आपके लिए उन्हें करना, सिद्धि प्राप्त करना भी आवश्यक है। जिन्हें ग्रह लक्ष्मी अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारने की इच्छा है वो ये प्रयोग जरूर करें। देखिए पहले शुरुआत करते हैं दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार के व्रत करके केले के वृक्ष का पूजन करें, चने की दाल व गुड़ अर्पित करके बृहस्पति भगवान की कथा करनी चाहिए। मैंने एक विशेष कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने बताया था घर के अंदर आसपास कौन से पेड़ पौधे आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं, उसमें केले का भी पौधा था। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और कुछ भी पीली वस्तु दान करके वृद्ध जनों का आशीर्वाद लेकर साथ ही साथ घर की दहलीज के दोनों ओर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए।
दहलीज जो घर से बाहर निकलेगा जो जगह होती है मेन गेट होता है वहां पर जरूर बनाए, अंदर बनाइए बाहर बनाइए, बाहर बनाए तो सबसे अच्छा। प्रतिदिन माँ दुर्गा का ध्यान करके जो मैं मंत्र बता रहा हूं उसका 11 बार जाप जरूर करना चाहिए। विदेही देवी कल्याणम, विदेही परमाम श्रेयम, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। इस मंत्र का 11 बार जाप रोज हर महिला को करना चाहिए अपने घर की सुरक्षा के लिए, परिवार की शांति के लिए। गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें। क्या आपको गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से मिलने का समय चाहिए? क्या आप वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं? या फिर सुरेश रिमाली जी से फोन पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं? साथ ही रिमाली जी की यात्राओं एवं उनके प्रवास की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तथा गुरुदेव द्वारा बताई गई सभी तरह की साधनाओं तथा पूजन सामग्रियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-519-0000, 243-2625, 9829-0-26-25। हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी में छोटी छोटी बेकार बेफिजूल की बातों पर ऐसी चर्चा होती है कि जो ग्रह कलेश घर में लड़ाई झगड़े का माहौल खड़ा कर देती, और दोनों को पता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, फिर भी ईगो जैसे समस्या को आगे लाकर आप अपने रिश्तों को सेपरेशन डाइवोर्स तक लेकर जाते हैं। महिलाएं घर को मंदिर बनाती हैं तो सारे व्रत पर्व तीज त्यौहार दान दक्षिणा जितने भी संकट है वो महिलाओं को ज्यादा सहन करने पड़ते हैं। आज मैं भी उन्हीं माताओं बहनों को ये प्रयोग बता रहा हूं जिनसे घर में शांति और परिवार में पति पत्नी के बीच वैर विरोध खत्म हो सकता है। बढ़ते हमारे अगले प्रयोग की तरफ। रविवार को घर की दहलीज पर कपूर उसे जलाएं और तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़ और सिंदूर मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सुखद दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति के लिए गेहूं के साथ तकरीबन 1 या 2 मुट्ठी काले चने मिलाकर शनिवार के दिन उसे पिसवाना चाहिए। शनिवार की रात्रि 11 से 3 बजे के मध्य पति की लंबाई के जितना लाल रंग का धागा, 2 चुटकी सिंदूर, 2 किसी प्रकार के बादाम या काजू ड्राई फ्रूट जिसे हम कहते हैं, 2 लौंग और 2 कपूर की टिकिया लेकर मिट्टी के दीपक में यह सभी सामग्री को जलाना चाहिए। जिस समय यह सभी सामग्री जलेगी उस समय ईश्वर से हाथ जोड़कर देवी माँ से भी प्रार्थना करें कि हे ईश्वर हे माता, हम दोनों पति पत्नी के मध्य आपसी मनमुटाव वैमनस्य वैचारिक जो असमानता जो भी है उसे दूर करें और हमारे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे। सभी सामग्री जलकर भस्म हो जाए तो उस भभूति को आप स्त्री ललाट पर और गले पर नित्य सुबह शाम लगा सकती हैं। ईश्वर बहुत जल्दी और माता आपको आशीर्वाद ऐसा देंगी कि दाम्पत्य जीवन में जो दूसरे लोग कुछ इस प्रकार के कर्म कर रहे हैं जिससे आप सुखी ना रहे वो खत्म हो जाएगी समस्याएं। शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को सफेद कपड़े में 1 मुट्ठी गुड़, 2 सिक्के, 1 मुट्ठी नमक व 1 मुट्ठी गेहूं उन सबको बांधकर पवित्र व शुद्ध स्थान पर रख दीजिए। 1.25 महीने बाद उस पोटली को बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर कहीं आसपास गड्ढा खोदकर ईशानी कोण नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में और उसमें वो 3-4 फुट का गड्ढा खोदकर उसमें डाल देना चाहिए। कुछ ही समय में जो क्लेश है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यह उपाय बहुत ही छोटे और आसान थे लेकिन इसका जो परिणाम है वो आपको बड़ा अच्छा मिलेगा, तो देर किस बात की, शीघ्र ही शुरू करें यह उपाय और अपने दाम्पत्य जीवन को बचा लीजिए, उसे मधुर बनाइए। जब पति पत्नी में आपसे प्रेम सामंजस्य और मधुरता घुल जाती है तो फिर
जो अगला नंबर आता है वो आता है सास और ससुर का। अब हमने पति पत्नी के रिश्तों को मधुर बनाने का काम किए, अब जो इन-लॉज है उसके साथ जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी आपके तकलीफ हैं, उसमें बड़े बुजुर्गों परिवार में नमक की तरह होते हैं। जैसे नमक से भोजन का स्वाद बढ़ता है, वैसे ही बुजुर्ग से परिवार के संस्कार बढ़ते हैं। इसीलिए भोजन में नमक का और परिवार में बुजुर्गों का होना बहुत आवश्यक है, और उसमें भी उनकी आत्मा को शांति मिलना जरूरी है। उनकी जो शरीर है, उनका जो मन है, वो पोते पोतियों से, बेटी के बच्चों से और बहू से, परिवार से, बच्चों से, उनसे ही वो बड़े खुश रहते हैं। और आपको सिर्फ इतना ही करना है कि प्यार के दो मीठे बोल, उससे उनकी बहुत सारी तकलीफें हल हो जाएगी और आपकी भी। कई बार घर में सास बहू के बीच छोटी फालतू किसी बातों पर आपने देखा होगा कि आपसी तनाव और ग्रह कलेश का वातावरण क्रिएट हो जाता है, जिससे पूरा घर नेगेटिविटी से भर जाता है। ऐसे खराब माहौल में सबका जीना दुश्वार हो जाता है। तो ऐसा क्या करें जिससे घर में सुख समृद्धि व शांति दौड़ी चली आए? आइए जानते हैं वो सारे उपाय। यदि किसी भी कारण से किसी बहू से सास ससुर नाराज रहते हैं, तो यह नित्य ही जल में गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और अपने परिवार में खुशी का माहौल बनाए रखने की प्रार्थना करें। पूर्णिमा की रात्रि में खीर बनाकर चंद्र की किरणों में खीर को रखना चाहिए तथा दूसरे दिन खीर का सेवन घर के सभी सदस्य करें। तीज त्योहार पर सास और ननंद को लाल पीली साड़ी व सोहा की सामग्री देकर उन्हें भोजन करवाएं और ससुर जी को केसर मिश्रित दूध पिलाना चाहिए। सात रविवार भैरू जी को 1.25 किलो आटे का चूरमा चढ़ाइए और बुधवार के दिन किन्नरों को हरी साड़ी, हरी चूड़ियां और कुछ दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। घर की जो कलह है वो खत्म करने के लिए सूर्य उदय से पहले घर में जो झाड़ू लगाता है उसमें कचरे के साथ साथ नेगेटिविटी भी घर से बाहर चली जाती है। घर में मधुरता के वातावरण को बनाए रखने के लिए माँ दुर्गा अथवा माँ गौरी को लाल चुनरी की साड़ी चढ़ाकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। कहीं आप बाहर घूमने जाते हैं, वहाँ माता का मंदिर मिलता है, साड़ी और श्रृंगार सामग्री लेकर चढ़ानी चाहिए। आप देखेंगे कि चमत्कारिक परिणाम आपको मिल रहे हैं। प्रत्येक शनिवार या मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें अथवा सुने हनुमान जी से कष्ट मुक्ति की प्रार्थना करें, जिससे घर के वातावरण में पॉजिटिविटी आएगी। यह है वो छोटे छोटे उपाय जिन्हें घर की महिला, चाहे तो बहू हो या सास, कोई भी अपने घर आंगन में खुशियां लाने के लिए संपन्न कर सकते हैं। कहा गया है कि ससुराल गेंदे के फूल की तरह होता है। जिस तरह गेंदे का फूल दिखने में सुंदर नहीं होता है, लेकिन उसकी खुशबू पूरे वातावरण को महकाती है, उसी तरह ससुराल में सास बहू के बीच चाहे कितनी ही नोक झोंक क्यों ना हो जाए, फिर भी आपस में प्यार और अपनापन कम नहीं होता। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत की रचना ही हो सकती है। इसीलिए रिश्तों के महत्व को समझें और हमेशा जीवन में हंसते और मुस्कुराते रहें। आप जब भी किसी से बात करते हैं, परिवार में कोई भी माहौल है, मुस्कुराहट के साथ ही हमें काम करना है। आप देखेंगे कि आपके हार्ट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हड्डियों की तकलीफ, ये आधी तो ऐसे ही हो जाएगी। हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर हंसे तो फिर क्या हंसे, हार कर खुशियां मनाना जिंदगी है। देखिए, हम कई रिश्ते नए बनाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। हम ऑफिस में किसी से मिलते हैं, फिर हम कहते हैं कि शर्मा जी, इस सैटरडे को आप हमारे यहाँ डिनर पर आइए। वो शर्मा जी और उनकी पत्नी आपके घर पर आते हैं, आपने एक नया रिश्ता बनाया। उस रिश्ते में आपको प्यार मोहब्बत, कभी आप घूमने भी जाते हैं, लेकिन घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, परिवार के सदस्य हैं, सही मायने में वो आपको आशीर्वाद देते हैं, तो आप उनकी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करिए। देखिए, फॉरगिव और फॉरगेट, आपको सबसे पहले तो खुद भी भूलना चाहिए और अगले को भी भुला देना चाहिए। और मेरे इस कुर्ते पर इस वक्त मान लीजिए मैं चाय पी रहा हूं, चाय का प्याला, और मेरे किसी कारण से वो चाय मेरे कपड़ों पर गिर जाती है, मैं उसे तुरंत एक नैपकिन लेकर पानी के साथ उसे साफ करने का प्रयास करूंगा। उस वक्त वो साफ हो जाएगा दाग, लेकिन अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो हो सकता है कि 3-4 दिन बाद जब वो कपड़ा धुलने के लिए जाएगा तो पूरा वो साफ ना भी हो। वैसे ही
जब भी परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा तनाव होता है उसी वक्त माफ कर दो और माफी मांग लो। उससे आपके मन का बोझ बहुत हल्का हो जाएगा। और ईगो को मत आने दीजिए, क्योंकि आप जरा गौर से सोचिएगा आराम से बैठकर कि लड़ाई झगड़े के बाद क्या होता है। दिन खराब होता है, फायदा कुछ नहीं। दो दिन बाद आप सॉरी बोलते हैं, बेहतर है उसी वक्त सॉरी बोलिए। देखिए रिश्ते कितने खूबसूरत हो जाते हैं, क्योंकि हमें भगवान ने यहां पर जिंदगी को जीने के लिए भेजा है, जिंदगी को काटने के लिए नहीं भेजा है। इसलिए जिंदगी जिंदा दिली वाले लोगों का काम है, और अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माताएं और बहनें अपने परिवार को सुंदर बनाइए। कई बार क्या होता है, मैं एक एग्जांपल ये भी बोलता हूं, मान लीजिए मैं इस वक्त अमेरिका में हूं और मुझे बड़ा अच्छा एक पौधा नजर आता है, मैं उसे लाकर जोधपुर में लगा देता हूं अपने घर के बाहर। शायद वो लग भी जाए, पर एक बड़ा पेड़ उसको मैं किसी कार्टून में बंधवा कर और ट्रांसपोर्ट के द्वारा, शिपमेंट के द्वारा मैं भारत में जोधपुर बुला के लगाता हूँ, वो 100% मर जाएगा। क्योंकि आप बच्चे हैं, माँ बाप का कहना मानेंगे, आप बदल सकते हैं, लेकिन अपने 50-60 साल वाले माँ बाप को बदलने की कोशिश करेंगे, शायद वो नहीं बदल पाएंगे। तो आप सभी सुखी रहें। हमारे सारे वीडियोज़ को आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। सब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन आपको और वीडियोज़ की जानकारी आगे दे सकता है। फेसबुक से जुड़ सकते हैं, पारिवारिक रिश्ता बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार ऐसी और बहुत कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके लिए जानना जरूरी है, उन सब के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। सुख समृद्धि ऐश्वर्य चले आए आपकी द्वार। हर व्यक्ति के मन में सदैव यही इच्छा रहती है कि जैसे भी हो उस पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, उसके व्यवसायिक स्थल अथवा घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। यदि आपके परिवार पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा हो, आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा एवं तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती हो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में उन्नति न हो पा रही हो, आय की अपेक्षा व्यय अधिक बना रहता हो, रोग ने घर में पैर पसार लिए हो, कुल मिलाकर घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान में हानि, परेशानी व चिंताएं बनी रहना, इन सभी समस्याओं का निराकरण है संपूर्ण सुख समृद्धि किट। यदि आप भी अपने घर एवं व्यवसायिक स्थल में स्थायी सुख संपत्ति, ऐश्वर्य व समृद्धि प्राप्त कर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही अपने घर में स्थापित करें प्राण प्रतिष्ठा युक्त अभिमंत्रित संपूर्ण सुख समृद्धि किट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-519-0000, 243-2625, 9829-0266-25, 8955-89-6625। क्या आपको गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से मिलने का समय चाहिए? क्या आप वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं? या फिर सुरेश श्रीमाली जी से फोन पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं? साथ ही श्रीमाली जी की यात्राओं एवं उनके प्रवास की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तथा गुरुदेव द्वारा बताई गई सभी तरह की साधनाओं तथा पूजन सामग्रियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-519-0000, 243-2625, 9829-0266-25।